सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y53S फोन के iOS 15 इमोजी एंड फाउंड के बारे में। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास वीवो का Y53S फोन है, आप चाहते हो iOS का इमोजी एंड फाउंड को अप्लाई करना, तो फाइनली यहाँ पे इजिली आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आप अपने से अप्लाई करते हो तो आपके फोन में नहीं अप्लाई हो पाता, नहीं आप यूज कर पाते हो, लेकिन जो तरीका मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100% आपका iOS इमोजी एंड फाउंड अप्लाई होने वाला है। फाइनली इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं, इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वीवो के Y53S फोन के iOS 15 4. इमोजी एंड अप्लाई करने के बारे में। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोगों को चल के बता देता हूं। वेलकम टू माय YouTube चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को दो सेटिंग बताने वाला हूँ। पहला सेटिंग जो कि आप लोग को जेड फाउंड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, एंड दूसरा सेटिंग आपका यहाँ पे है, आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। डेवलपर ऑप्शन से आपका यहाँ पे इमोजी ऐड होने वाला है। फाइनली अगर आपको नहीं पता है डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बारे में, तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बारे में। एंड यहाँ पे आपको पहला नंबर आपको जेड फाउंड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपको प्ले स्टोर के अंदर आना एंड यहां पे आपको सर्च पे क्लिक करना है। यहां पे आपको लिखना है जेड फॉन्ट। आप जैसे यहां पे जेड फॉन्ट लिखोगे, यहां पे आप सर्च करोगे, यहां पे आपको ये वाला एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। इसे आपको डाउनलोड कर लेना, जो कि ऑलरेडी पहले से मैंने अपने फोन में इसे डाउनलोड कर रखा हूं। एंड इसे ओपन करते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, जो कि आप पहली बार ओपन करते हो तो आपको कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा। परमिशन एग्री पे क्लिक करके आप अलाउ पे परमिशन दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का फॉन्ट मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे iOS फॉन्ट है। इसे आपको डाउनलोड कर लेना, जो कि मैंने अपने फोन में पहले से इसे डाउनलोड कर चुका हूँ। अब यहाँ पे ऐड आएगा, ऐड को आपको स्किप कर लेना है, और स्किप करने के बाद आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। अब इसे आपको डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इस तरीके से अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा आपके फोन में। तो आपको यहां पे अप्लाई पे क्लिक करना, उसके बाद आपको यहां पे जो कि स्टार्ट पे क्लिक करना, गेट स्टार पे। उसके बाद आपको फाइल मांगेगा, यहां पे फाइल पे आपको यूज करना, यहां पे यूज पे क्लिक करना, उसके बाद आपको अलाउ पे परमिशन दे देना है। अब यहां पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहां पे चेंज फाउंड का ऑप्शन आ जाएगा, चेंज फाउंड कर सकते हो। अदरवाइज आपके फोन में अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप भी उसे ठीक कर सकते हो। तो जैसे कि यहां पे आपको बताता हूं, अगर आपके फोन में यहां पे मेरा जो कि पहले से मैंने इसे ठीक कर चुका हूं, आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं इसका, जो कि यहां पे मैं बताने वाला हूं। यहाँ पे आप थीम सर्च करोगे, उसके बाद आपका यहाँ पे जो कि वीवो थीम है, इसे आपको अनइंस्टॉल कर देते हैं अपना। फिर उसके बाद हमारे फ़ोन में जो कि ये जो प्रोसेस है, मैं आपको पूरा शुरू से बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहले से इसे कर चुका था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शुरू से बताने वाला हूँ ये प्रोसेस जो है हमारा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जेड फोन एप्लीकेशन, उसके बाद आपके पास एक ऐड आएगा, ऐड को स्किप करना। इसके बाद आप जब भी यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप जब ओके पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके का 15 MB का डाउनलोड होगा, जो कि यहाँ पे 15 MB का आपका यहाँ पे डाउनलोड होगा। उसके बाद आप इसे डाउनलोड होने देना है। उसके बाद आपके पास जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ अलग सेटिंग आपको बताने वाला हूँ। तो फाइनली ये डाउनलोड होने देते हैं। तो जैसे ये मेरे फोन में डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों, ये 15 MB का मेरे फोन में डाउनलोड होने ही वाला है, हो चुका। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा गेस्ट स्टार्ट का। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, डेवलपर ऑप्शन नीचे स्टार्ट का। तो आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पहले ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको आना है और सेटिंग के अंदर आपको चले जाना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको अबाउट फोन देखने को मिल जाएगा, अबाउट फोन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल नंबर मिल जाएगा, बिल नंबर पे आपको 7 बार टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 7 बार टाइप करता हूँ। इनेबल होते ही आपके पास पासवर्ड मांगेगा, स्क्रीन आपको स्क्रीन पासवर्ड डालना है, और यहां पे आपका जो कि डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, जेड फॉन्ट एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। आने के बाद आपको यहां पे क्लिक करना है और यहां पे आपको डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहां पे आपको क्या करना है, वाईफाई कनेक्ट कर लेना। अगर आपके पास दूसरा फोन है और किसी का फोन है, उससे वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको यहां पे आ जाना है
देख सकते हैं नीचे आएंगे यूएसबी, इसे ऑन करना, उसके बाद आपको यहां पे मिल जाएगा वायरलेस वाला ऑप्शन, इससे भी आप ऑन करेंगे। जब भी आपके फोन में वाईफाई ऑन होगा तभी जाके ये ऑन होगा, तो आपका वाईफाई इनेबल होगा तो यहां पे ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पे क्लिक करना है एंड यहां पे आपको कोड मांगना है, पिन। पिन आने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा, यहां पे आप पिन डालेंगे 99994942, तो यहां पे हम डालते हैं 99994942, सॉरी दोस्तों 2। अब यहां पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा जो कोड है यहां पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहां पे हमारे जेड फोन एप्लीकेशन के अंदर आना है। जेड फोन एप्लीकेशन के अंदर हम आएंगे, उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने मिलेगा। नीचे आपको स्टार्ट का ऑप्शन है, स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस मांगेगा, प्रॉब्लम आएगा, तो आपको फिर से डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहां पे आपको आना है। नीचे आपको ये जो यूएसबी कनेक्ट है इसे आपको ऑफ करना है एंड वायरलेस को भी आपको ऑफ कर देना। अब यहाँ पे सिर्फ वायरलेस को आपको ऑन कर देना है, ऑन करते ही अलाव पे क्लिक करना, उसके बाद आपको फिर से एप्लीकेशन के अंदर आना है एंड आपका काम हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा काम हो चुका है एंड ये एप्लीकेशन अपने आप बैग होगा एंड अपने आप ओपन हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे अपने आप बैग हो चुका है एंड अपने आप ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना, जो फाउंड आपने डाउनलोड किया था इमोजी iOS का, उसे आपको लोकल पे मिलेगा। उसके बाद लोकल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इमोजी को अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, ऐड को स्किप करते ही आपको इमोजी का अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां पे आपका चेंज इमोजी, जो कि मैंने आपको दिखाया था, यहां पे चेंज इमोजी का ऑप्शन आ चुका है, तो यहां पे हम चेंज पे क्लिक करेंगे एंड अलाउ पे क्लिक करेंगे और हमारे फोन पे ये इमोजी ऐड हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर लेना, यहां पे अप्लाई पे क्लिक करोगे ये इमोजी आपके फोन में अप्लाई हो जाएगा। फाइनली मेरे फोन में ये इमोजी अप्लाई हो रहा है यहां पे। इसी तरीके से आप अपने Vivo के Y53s फोन में अप्लाई करके यूज कर सकते हो। अब यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे हम कीबोर्ड को ओपन करते हैं और हमारे फोन में ये इमोजी अप्लाई हो चुका है। तो यहां पे आप देख सकते हैं इसे आप यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जहां पे आप यूज करना चाहोगे यूज कर पाओगे, लेकिन आप एसएमएस के अंदर यूज नहीं कर पाओगे। तो फाइनली आपको इंस्टाग्राम पे दिखाता हूं, इंस्टाग्राम पे क्लिक करते हैं एंड यहां पे हम इमोजी पे क्लिक करेंगे, यहां पे हम इमोजी को यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं इमोजी हमारे फोन पे यहां से यूज हो रहा है। फाइनली इस तरीके से आप इमोजी को अपने Vivo के Y53s फोन में अप्लाई करके एंड यूज कर सकते हो। एंड यहां पे आपको अगर यूज करना है अपने YouTube पे तो आप YouTube पे आओगे, उसके बाद आप YouTube पे किसी के पास कमेंट करते हो तो इस इमोजी के साथ कमेंट कर सकते हो। फाइनली जैसे कि ये वाला वीडियो है, अब मैं यहां पे प्ले करता हूं, अब यहां पे मैं इस पर कमेंट करना चाहूंगा, तो जैसे कि यहां पे मैं कमेंट पे क्लिक करूंगा और हम यहां पे कमेंट करेंगे इमोजी से, तो यहां पे हमारा इमोजी इस तरीके से है और यहां पे हम कमेंट कर देते हैं, तो हमारा ये इमोजी आप देख सकते हैं इस तरीके से कमेंट हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों इस तरीके से आप इमोजी को अपने यूट्यूब पे एंड व्हाट्सएप पे एंड इस यहां पे यूज कर सकते हो, फाइनली आप एसएमएस पे नहीं यूज कर पाओगे। फाइनली इस तरीके से आप अपने Vivo के Y53s फोन में इमोजी को अप्लाई करके एंड यूज कर सकते हो अपने जेड फाउंड एप्लीकेशन से, जो कि मैंने आप लोग को इमोजी अप्लाई करने के बारे में बता दिया हूं एंड इसके साथ आप फाउंड भी चेंज कर पाओगे iOS का। तो फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहां पे सभी iOS का आपको फॉन्ट इमोजी वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहां पे आप देख सकते हो जो भी हमें मिलता है iOS का इमोजी मिल जाते हैं। तो फाइनली आप इजीली अपने फोन में इसे अप्लाई करके एंड यूज कर सकते हो Vivo के Y53s फोन में। तो मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया कैसे आपको इमोजी अप्लाई करना एंड कैसे यूज करना है, सब कुछ यहां पे पूरे प्रॉपर तरीके से डिटेल में बता दिया हूं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना, आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के एंड प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।